आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की खेती किसानी को लेकर और खरगोन ज़िले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कपास का, जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। खरगोन ज़िले के किसान बीटी कपास की पैदावार करते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन भी इसी ज़िले में होता है। ज़िले में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और किसानों को समृद्ध करने के लिए कपास की खेती में इस बार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। दरअसल कृषि विभाग द्वारा हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम यानी कि HDPS पद्धति के जरिए कपास की बुआई करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पद्धति के जरिए सामान्य खेती के मुकाबले कपास के उत्पादन में 25-30% तक वृद्धि हो जाती है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो बीते वर्ष 1045 हेक्टेयर में किसानों ने 5 नई देसी किस्मों की बुआई HDPS पद्धति के जरिए की थी। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर से कपास की कम फैलने वाली एवं कम बढ़वाल वाली देसी किस्में कृषि विभाग ने बुलवाई थी और इसके बीज किसानों को निःशुल्क बांटे गए थे। इस साल भी इन्हीं किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध कराएंगे। खरगोन कृषि विभाग के उपसंचालक एमएल चौहान ने लोकल एटिन को बताया है कि खरगोन में कपास का रकबा लगभग 2,22,000 हेक्टेयर के करीब है। विभाग द्वारा किसानों को अधिक उत्पादन के लिए सघन कपास उत्पादन यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम के तहत बोनी करने की सलाह दी जाती है। सामान्य रूप से किसान 15-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त कर पाता है, लेकिन HDPS सिस्टम से नई किस्में लगाने पर 25-35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन किसान प्राप्त कर पा रहे हैं। सामान्य रूप से किसान जो 15-20 क्विंटल पर हेक्टेयर जो उत्पादन प्राप्त करता है, लेकिन HDPS सिस्टम से लगाने से वो 25-35 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त कर रहा है। तो हम किसान भाइयों से ये आग्रह करेंगे कि आप HDPS सिस्टम से कुछ सिलेक्टेड वैरायटी हैं उनको लगाएं, जैसे कि PKV 081, BT, CNA 1032, CNA 1028, RASHI 608, RASHI 797, AJIT 52, AJIT 155, न्यूजीविट का अध्याय, बायर का सरपाज, अंकुर की 3336। इस प्रकार की कुछ सिलेक्टेड वैरायटियां हैं जिनको लगाने से किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन मिल रहा है और किसानों ने बिफोर लास्ट ईयर 120 हेक्टर में इस सिस्टम से कपास लगाया गया था, जबकि पिछले साल हमने 1045 हेक्टर में खरगोन जिले में लगाया है। अभी हमारा जो टारगेट है वो 5000 हेक्टर का है। हमने बीजों की व्यवस्था भी की जा रही है। हमने 14 क्विंटल बीज इसका जो है राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर से मंगाया है। इसके अलावा हमने पारसपर्ण सीड्स जो है अपने NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से लिया है। वर्ष 2022 में इस पद्धति से खेती करने का सुझाव किसानों को पहली बार खरगोन जिले में दिया गया था। पहले ही साल 120 हेक्टेयर में शुरुआत हुई थी। दूसरे वर्ष 2023 में यानी कि बीते साल 1045 हेक्टेयर रकबा हो गया था। इस साल टारगेट 5000 हेक्टेयर का रखा गया है। उपसंचालक एमएल चौहान ने यह भी बताया है कि सामान्य रूप से किसान खेतों में पौधे से पौधे की दूरी 3-4 फीट रखते हैं, जबकि हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम के तहत यह दूरी घटकर 15-20 सेंटीमीटर हो जाती है। लाइन से लाइन की दूरी भी घटकर 60-90 सेंटीमीटर होती है। सामान्य खेती में एक हेक्टेयर में 22-25 हज़ार तक पौधे लगते हैं, परंतु इस पद्धति में 55-60 हज़ार तक पौधों की संख्या हो जाती है। पौधों की संख्या बढ़ने से पैदावार भी बढ़ती है, उत्पादन भी अधिक होता है और किसानों की आय भी बढ़ जाती है। राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में मैंने सीखा है कि वहाँ साइंटिस्ट लोग दो बार जो है वो प्लांट ग्रोथ कंट्रोल का उसमें यूज़ करते हैं, यानी पौधे की बढ़वार को रोकने के लिए वो लियोसिन का उपयोग करते हैं दो बार। पहली बार अवस्था में 40-45 दिन, दूसरा बार 60-65 दिन में दो बार एक तो लियोसिन का उपयोग करना है आपको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिससे कि पौधे की बढ़वार को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, उसमें प्लांट से प्लांट की दूरी कम करने की किसानों को सलाह दी जाती है। आज हमारे यहाँ आज भी कुछ किसान HDPS सिस्टम से 1 फीट से 1-1 फीट की दूरी रख रहे हैं। उस दूरी को हमें कम करना है। ये दूरी कम हो जाएगी और पौधों की संख्या बढ़ जाएगी या प्लांट रेगुलेटर का उपयोग हो जाएगा तो स्वाभाविक है पौधा बॉल की संख्या बढ़ जाएगी और उसका उत्पादन बढ़ेगा। आपको बता दें कि कृषि विभाग द्वारा किसानों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 9000 किसानों को 5000 हेक्टेयर के लिए बीज उपलब्ध विभाग कराएगा। 8 मई तक चयनित किसानों की ट्रेनिंग भी होगी। 25 जून के पहले तक किसानों को बीज वितरण कर दिया जाएगा ताकि किसान समय पर बुआई कर सके और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके।
लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।